हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर वॉरियर्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, क्योंकि हम लोग हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करके चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेसिक कंसेप्ट, जो आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन तो सभी को पता होगी, जो एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में जिसको हम लिख लेंगे उसको फ्रैक्शन बोला जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होगी, क्या कि ये एक्स और वाई क्या होने चाहिए भाई? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? ये दोनों क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? और लेकिन आप लोगों को पता होगा, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? न्यूमिरेटर, ठीक है? और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर, ठीक? होप आपको क्लियर होगा फ्रैक्शन क्या थी, जो एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिखी जा सकती है, लेकिन ये एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या थे? जो भी नंबर वन से लेके ऑनवर्ड, जितने भी नंबर होंगे वन से लेके, उन सभी नंबर को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स। अभी देखते हैं फ्रैक्शन की कुछ टाइप्स। फ्रैक्शन जो है हमारे फोर टाइप्स में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखें ये होती क्या है। लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं? जिसमें आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फ्रैक्शन लिखूं 2/5 प्लस 7/5, तो ये मेरी क्या आ गई? लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमिरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है? इसमें न्यूमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी 4/5। अब देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है मेरा ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाले से क्या है? छोटा। तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है न्यूमिनेटर इज ग्रेटर किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक है? इसमें न्यूमिनेटर क्या होगा? ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, ठीक? चलो इसमें क्या होगा? न्यूमिनेटर क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? डिनोमिनेटर से। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं 5/4। अब देखो न्यूमिनेटर क्या आ गया? ग्रेटर आ गया, ठीक है? और अब एक और फ्रैक्शन है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई भी जो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, जो इस फॉर्मेट में होगी, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है? अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फ्रैक्शन करते कैसे हैं बेसिकली हम लोग सॉल्व। अब एडिशन की बात करें, ये सब मैंने एडिशन वाला लिया है। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है? दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ये हमारी लाइक फ्रैक्शन होगी। और जो भी लाइक फ्रैक्शन होगी उनको सॉल्व करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो लाइक फ्रैक्शंस हैं और ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। इन दोनों का सीधे एलसीएम ले लेंगे तो वो 5 आ गया, ठीक है? ऊपर वाली टर्म सीधे ऐड हो जाएंगी, तो इनको ऐड करके हमारा आ गया 11/5, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है? 2/3 प्लस 4/5। अब दोनों में क्या है? जो हमारा न्यूमिरेटर है वो छोटा है, तो वो कौन सा केस था? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी? प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब इन दोनों को हम लोग सिंपली ऐसे ऐड अप नहीं कर सकते, हम लोगों को ऐड करने के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है कि इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना होता है। अब लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। क्या इनका सेम है? नहीं, इनका डिनोमिनेटर सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मुझे सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन दोनों डिजिट्स का मैं लूँगी एलसीएम, ठीक है? इनका क्या ले लिया मैंने? एलसीएम। किस किस का? 3 का और 5 का। और मैंने एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि मुझे इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद ही मैं ऐड या मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? 15। जिन लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता वो भी बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो एलसीएम एचसीएफ पे ही आएगा, ठीक है? उसमें बिल्कुल बेसिक से बता दूंगी कि किस तरीके से हम लोग एलसीएम या एचसीएफ लेते हैं। अब देखो जो मेरा सम था 2/3 प्लस 4/5, अब मैंने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को सेम बनाना है। और सेम क्या बनाऊंगी? अब 15। अब इसको 15 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 5 से। अब जब नीचे वाली टर्म को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, क्लियर? अब इसको भी 15 बनाना है तो उसके लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको 3 से, ठीक है? तभी ये 15 बनेगा। अगर नीचे वाले को किया है तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा भाई, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो चले देखते हैं ऊपर वाला क्या आ जाएगा मेरा। 5 2 10
और ये नीचे आ जाएगा 5 3 15, ठीक है। उसके बाद ऐड था 4 3 12 और 5 3 15। अब देखो आप लोग देख सकते हो मेरे दोनों डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम हो गए हैं, इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं, और जब भी लाइक फ्रैक्शन होंगी तब मैं बड़ी आसानी से इनको ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 22/15, दैट इज़ माई आंसर, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन जो मैंने है माइनस का लिया है, अब माइनस के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एक जो वेपन था मेरे पास वो है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम किसका भाई, 4 और 8 का, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, 8, ठीक। अब मुझे दोनों को 8 बनाना है, इसको 8 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको भी हम लोग 2 के साथ कर लेंगे, ये तो ऑलरेडी 8 है, इसको क्यों छेड़ेंगे, ठीक है। चलो आज ये आ जाएगा हमारा 22/8 -1/8। अब देखो मेरा दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब मैं आसानी से इनको सॉल्व कर सकती हूँ, 22 -1, तो ये आ जाएगा मेरा 21/8, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। चलिए एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने देखे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं थोड़ा मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न भी कैसे करेंगे। अब भाई मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न में ऐसा कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधा नीचे 1 प्लेस कर लेंगे, और मल्टीप्लाई के केस में आमने सामने वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी सीधी सीधी। तो 2 × 5 कितना हो गया, 10। 6 × 1 कितना हो गया, 6, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, चाहे तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया मेरा डिवीज़न का। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो मल्टीप्लाई था, सीधा सीधा हो गया, डिवीज़न कैसे करेंगे। भाई ये भी बहुत ईजी है, डिवीज़न का केस में आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट टर्म लिखोगे। आप कभी भी फ्रैक्शन को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना फ्रैक्शन कभी भी डिवाइड नहीं होती। इवन फ्रैक्शन को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। और एक मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपकी नेक्स्ट जो भी फ्रैक्शन होगी वो उसको रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। जैसे 8/9 था, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 9/8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सेम रूल अप्लाई करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 9 3 आ गया हमारा 27 और 4 8 32, ये रहेगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड चलो एक और क्वेश्चन डिवीज़न पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, उसमें 1 प्लेस कर देंगे, ठीक। देन उसके बाद आ जाओ हमारा नेक्स्ट स्टेप, कभी भी फ्रैक्शन जो है डिवाइड नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया है डिवाइड को कन्वर्ट करना पड़ता है, किस में, मल्टीप्लिकेशन में। लो मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब जब भी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया तो नेक्स्ट जो अली जो भी जो आपकी फ्रैक्शन थी वो बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरा 3/1 किस में आ गया, 1/3 में। अब देखो 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये थे हमारे फ्रैक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो उनके लिए ये छोटी सी वीडियो थी। तो उसके बाद आप लोगों की डिमांड पे हम लोग चैप्टर भी शुरू कर देंगे बहुत ही जल्द। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।